हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस स्टडी चैनल में। और आज मैं आप सभी को हरियाणा के जिलों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हरियाणा का कोई भी पेपर हो, उसमें हरियाणा की जिलों के बारे में अवश्य एक क्वेश्चन आता है। और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें मैं हरियाणा जीके का पूरा कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ और अर्थमेटिक मैथ या अंकगणित का पूरा कोर्स आपको मिलेगा। और इसकी वीडियोस मैं जल्दी अपलोड करूंगा, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियोस पाने में आसानी हो। तो हम पढ़ेंगे हरियाणा के जिलों के बारे में। दमदमा झील, दमदमा झील सोहना गुड़गांव में है दोस्तों। कई बार इसकी स्थापना पूछी जाती है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। यहाँ फिर आता ही है तिलियार झील। तिलियार झील रोहतक, रोहतक में है तिलियार झील। और इसका ये क्वेश्चन अभी पीछे हरियाणा पुलिस में आता है कि तिलियार पर्यटन केंद्र कहाँ है, तो वो भी रोहतक में है। तिलियार झील और तिलियार पर्यटन केंद्र दोनों इकट्ठे हैं। बड़खल झील फरीदाबाद में है। करण झील करनाल। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है गौकर्ण तालाब, तो गौकर्ण तालाब रोहतक में है और करण झील करनाल में है। और ब्लूबर्ड हिसार में है। ये इतनी ज्यादा फेमस झील नहीं है, लेकिन याद रखना इस पर क्वेश्चन आ सकता है। बसई झील, ये एक गुड़गांव के एक गांव बसई, वहां पर है बसई झील। ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर थाने सर कुरुक्षेत्र में है। तो यहाँ पर लोग अमावस्या के दिन कई बार स्नान करने के लिए भी आते हैं। भीमकुंड, भीमकुंड भी गुड़गांव में है। दोस्तों सूरज कुंड, सूरज कुंड फरीदाबाद में है। सूरज कुंड, इस पर सूरज कुंड का मेला भी रखता है और इसका निर्माण तोमर शासकों द्वारा करवाया गया था। और यह है सूर्य के आकार का बना हुआ, इसलिए इसको सूरज कुंड कहा जाता है। सुल्तानपुर झील गुड़गांव। दोस्तों सुल्तानपुर झील गुड़गांव, ये एक साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध झील है। यहाँ पर सर्दियों में साइबेरियन सार्स आते हैं। प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ही फेमस है। तो कई बार पूछा जाता है कि साइबेरियन सार्स कहाँ पर आते हैं, तो ये सुल्तानपुर झील गुड़गांव में आते हैं। और ये एक मुख्य पर्यटन केंद्र भी है हरियाणा का। दोस्तों खलीलपुर झील, ये खलीलपुर गुड़गांव में है। कोटला झील, कोटला झील मेवात में है। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, कोटला झील कहाँ पर मेवात में है। ये सिंचाई के लिए, वर्षा पानी इकट्ठा करके सिंचाई के लिए बनाई गई है। और गौकर्ण तालाब, देखो ये फिर आ गया, गौकर्ण तालाब रोहतक में है दोस्तों, और करण झील करनाल में है। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना कैसी लगी, और कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो भी कमेंट करके बताना। आपके डाउट का आपको रिप्ले में जवाब जरूर दिया जाएगा। और मैं फिर बता दूं कि मैं हरियाणा जीके और अर्थमेटिक का पूरा कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।